हाय गाइस, दिस इज माय अनदर वीडियो नेट फिजिकल साइंस दिसंबर 2019। ये क्वेश्चन बेसिकली मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी डिस्कस करते हैं। फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री है ये, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन का फॉर्म देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ सर्फेस। बेसिकली एक स्प्रिंग दे रखा है, मास उसके साथ अटैच है, और ये जो मास है ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कि ये मास का जो मूवमेंट है वो इस तरह से आगे या पीछे हो रहा है, ठीक है। एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस इज म्यू। इसके अंदर जो लाइन है जिसे हम आंसर पता करेंगे वो ये वाली ही लाइन है, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस इज म्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेक्ट्रीज बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ब्लॉक इन द फेज स्पेस प्लेन, मतलब एक्स पी एक्स ग्राफ इसका कैसा होगा। अब देखो, कोई भी अगर हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट मोशन में नहीं रही है, मतलब उसका जो मोशन है वो डीके करेगा बाय टाइम, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो बॉडी है वो स्टॉप करेगी एक टाइम के बाद, ठीक है। तो यानी कि उसका जो वेलोसिटी है या तो वो इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, या मतलब कांस्टेंट तो डेफिनेटली नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी का कांस्टेंट मतलब एक ही ग्राफ चल रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसका मतलब एक टाइम के बाद बॉडी रुक जाएगी, मतलब उसको आप स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगा उसका, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका वो वेलोसिटी ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही एक ऑप्शन होगा जो करेक्ट हो सकता है, और कोई ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर ही देखो, इसके अंदर जो ग्राफ है ये देखो इस तरह से जा रहा है, और ये ग्राफ अल्टीमेटली कहाँ पर रुकेगा, जब पी एक्स जीरो हो जाएगा। इसके अंदर तो देखो पी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, इसके अंदर पी एक्स का वैल्यू और एक्स का वैल्यू एक ही चलता जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक ही चलता जाएगा, एक यही ग्राफ है जिसके अंदर मोशन डीके कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ओके। अदरवाइज अगर हम वैसे देखें एक्स पी एक्स ग्राफ को निकालने के लिए हमें सिस्टम का एनर्जी पता है तो हम वो ग्राफ निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि इसी के अंदर मोशन डीके कर रहा है सिस्टम का, ओके। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके, थैंक यू।